आज का हमारा टॉपिक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद रिप्लेसमेंट के साथ है, और साइज़ जो है अब हमने 3 स्टार्ट कर लिए है। दोबारा से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक केस होगा विद रिप्लेसमेंट का और दूसरा हमारे पास केस जो है वो विदआउट रिप्लेसमेंट का। विद रिप्लेसमेंट में हमारे पास एक साइज़ एन का होता है और साइज़ जो साइज़ 2 के लिहाज से और साइज़ 3 के लिहाज से, स्मॉल एन जो है ये सैम्पल साइज़ को डिनोट करता है। तो विद रिप्लेसमेंट साइज़ 2 के साथ भी हम सॉल्व करेंगे और साइज़ 3 के साथ भी। इसी तरह विदाउट रिप्लेसमेंट जो है ये भी हमारे पास साइज़ 2 के साथ भी और साइज़ 3 के साथ भी। विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट जो साइज़ 2 है ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हमारे पास विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट साइज़ 3 के लिहाज से ये है कि अगर हमारे पास सैम्पल साइज़ जो है ये 3 का आ जाए तो हम विद रिप्लेसमेंट को कैसे डील करते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट को कैसे डील करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम विद रिप्लेसमेंट के साइज़ 3 को डिस्कस करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है विद रिप्लेसमेंट साइज़ 3, इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। ये देखें, पहले भी इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पहला स्टेप होगा हमारे पास, चाहे वो विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, विदाउट का है, साइज़ 2 या साइज़ 3 का, उसमें जो पहला स्टेप है वो तमाम के लिए इक्वल है, वही सेम, वही फार्मूले, वही मेथड यूज़ होगा। तो पहले स्टेप को हम स्टार्ट करने लगे हैं। पहला स्टेप है हमारे पास, हमने ये कहा था कि ये हमारी पॉपुलेशन है, ये छोटी सी पॉपुलेशन इस वजह से रहते हैं कि हमें सॉल्व करने में और समझने में आसानी हो। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ले के उसमें हमारे पास मिस्टेक्स काफ़ी हो सकती हैं, इस वजह से छोटी पॉपुलेशन ले के जो कंसेप्ट है वो ताकि हमारा क्लियर हो जाए ईजिली। अब ये देखिए, सबसे पहला काम हम करते हैं, यहाँ पे एक्स का कॉलम बनाते हैं। एक्स की वैल्यू है 1, 2 एंड 3, और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास, आपको पता है कि एक्स स्क्वेयर का कॉलम बनाते होते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लगेगा उसमें एक्स स्क्वेयर की वैल्यू हमें ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक्स का स्क्वेयर लेते जाए 1, 4 एंड 9। एक्स के कॉलम को जब सम करेंगे तो ये हमारे पास 6 बनेगा, जब एक्स स्क्वेयर के कॉलम को सम करेंगे तो ये हमारे पास 14 बनेगा। उसी तरह हम पहला स्टेप करेंगे कि म्यू इज़ इक्वल टू समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन, ये पॉपुलेशन का मीन है। तो समीशन एक्स का मतलब हमारे पास 6 है ओवर कैपिटल एन हमारे पास आ गया 3। अब ये हमारे पास आंसर आ गया 2, म्यू इज़ इक्वल टू 2। अब इसके बाद हम सिग्मा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सिग्मा के लिए फार्मूला है हमारे पास, सिग्मा इज़ इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन माइनस समीशन एक्स ओवर कैपिटल एन स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास। अब समीशन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास है 14 डिवाइडेड बाई 3। अब ये देखिए, यहाँ पे सैम्पल साइज़ भी हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कैपिटल एन है वो भी हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे ये साइज़ जो 3 है तो इसमें कैपिटल एन जो है इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है साइज़ 3 में, ये स्मॉल एन सैम्पल साइज़ को डिनोट करते ये ऐसे ही रहेगा। माइनस यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वेयर 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 0.0666 ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा की। इस वैल्यू को हम यहाँ पे साइड पे लिखते होते हैं, म्यू इज़ इक्वल टू 2 एंड सिग्मा इज़ इक्वल टू 0.066 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है और यही चीज़ समझने वाली होती है कि हमने सैंपल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं अगर साइज़ 3 का आ जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसमें जब विद रिप्लेसमेंट का केस हो और साइज़ हमारे पास 3 हो तो हम सैंपल कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये देखें। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल
जब केस विद रिप्लेसमेंट का हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल फाइंड करने के लिए कैपिटल एन पावर स्मॉल एन, कैपिटल एन हमारे पास 3 है, स्मॉल एन हमारे पास 3, तो ये हमारे पास आ गया 3 × 3 × 3, ये हमारे पास आ गया 27। अब हमारे पास जो टोटल सैंपल बनेंगे साइज 3 के लिहाज से, अगर पॉपुलेशन में एलिमेंट की तादाद हमारे पास 3 हो, तो हमारे पास ये सैंपल टोटल कितने बनेंगे, 27। तो यहाँ पे हम सीरियल नंबर बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से एक कॉलम बन गया, ये 9 तक जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे सैंपल, सैंपल के कॉलम आने के बाद फिर एक्स बार का कॉलम जो बनाते होते हैं वो आ जाएगा यहाँ पे। एक्स बार के कॉलम के बाद फिर सीरियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमने 27 तक जाना है, तो ये 9 तक यहाँ पे पहुँचे हम, तो 9 के बाद 10, 11, 18 तक आएंगे। इसके बाद हम सैंपल का कॉलम बना लेंगे, सैंपल के बाद फिर हम एक्स बार का कॉलम बनाएंगे, फिर सीरियल नंबर हमारा चल जाएगा, ये हमारे पास बनेंगे सैंपल। सीरियल नंबर के बाद ये इसके रिलेटेड सैंपल और ये एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे। अब इससे आगे जो स्टेप है, जो हमने सैंपल सेलेक्ट करने हैं, अगर विद रिप्लेसमेंट का केस हो साइज 3, तो इसमें देखते हैं साइज 3 है तो हमने यहाँ पे 3 स्टार लगा देने हैं अपनी सहूलत के लिए। जब भी साइज 3 की बात है विद रिप्लेसमेंट में, आपने 3 स्टार लगा देने हैं। अब इसके नीचे यहाँ पे आपने कैपिटल एन की वैल्यू लिखनी होती है, कैपिटल एन आपके पास 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, 3, 3। अगर कैपिटल एन हमारे पास 4 आ गया तो फिर यहाँ पे 4, 4, 4 लिखेंगे। कैपिटल एन हमारे पास 5 आ जाए तो यहाँ पे 5, 5, 5। स्टार जो हैं वो हमारे पास 3 ही बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो साइज़ है वो 3 का चल रहा है। इसके बाद ये जो कैपिटल एन है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाने के बाद पहले एलिमेंट की पावर आपने 0 ले लेनी है, इसकी 1 ले लेनी है, इसकी 2, इस तरतीब से इस साइड से आपने चल के आना है, ठीक है। 0, 1 एंड 2 पावर इस तरतीब से ले लेनी है आपने। पावर लेने के बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी के अलावा किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाए तो उसको हम 1 लिखते हैं। 3 की पावर 1, 3 और 3 की पावर 2, ये 9 की कॉल आ जाएगा। अब ये जो अब हमारे पास एलिमेंट आए हैं, ये हमारे काम की चीज़ है। अब यहाँ पे इस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि जो पहला एलिमेंट है हमारे पास, उसको आपने हर पहले जो आपके एलिमेंट आएगा, हर एलिमेंट को आपने 9 मरतबा रिपीट करना है। फिर जो दूसरा आएगा सैंपल में, दूसरा एलिमेंट जो आएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सैंपल इस तरह से बनेंगे ना, 2, 3, 4, 2, 3, 1, इसी तरह 1, 2, 3। तो जो पहला एलिमेंट है उसको आपने यहाँ पे 9 मरतबा, फिर दूसरे को 9 मरतबा, फिर तीसरे को 9 मरतबा। अब इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए 1 जो है इसको आपने 9 मरतबा रिपीट करना है, फिर जो 2 है इसको भी 9 मरतबा रिपीट करना है, जो 3 आएगा इसको भी 9 मरतबा रिपीट करना है। तो देखते हैं कैसे कि 1 को 9 मरतबा लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 को 9 लिख दिया। उसके बाद हम लगा देते हैं इस पे कॉमा, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 2 को भी 9 मरतबा लिखेंगे, पहले एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद कॉमा लगा देंगे। ये देखें अब 3 की बारी है तो 3 को भी 9 मरतबा हम लिखेंगे यहाँ पे, 3, 3, 3,
थ्री को 9 मरतबा लिखने के बाद हम कॉमा लगा देंगे इसके बाद, और जो फाइनल हमारा काम होगा इसके बाद जो दूसरा हमारे पास इसमें सैंपल आएगा, ये देखिए हर एलिमेंट को आपने जो दूसरा यहाँ पे आपके पास बनेगा ना कॉलम वाइज, उसमें हर एलिमेंट को आपने 3 मरतबा लिखना है। ये जो आंसर है ये आंसर हमें बताएगा कि पहले एलिमेंट इस पहले पहले एलिमेंट को आपने 9 मरतबा रिपीट करना है, फिर दूसरे एलिमेंट को आपने 3-3 मरतबा, फिर एक ही मरतबा उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे। अब ये देखें 1 को 3 मरतबा लिखेंगे, 1 1 1, फिर 2 की बारी आ जाएगी, 2 को 3 मरतबा लिखेंगे, फिर 3 की बारी जब आएगी तो 3 को भी 3 मरतबा यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इस तरह से चलेंगे। इसके बाद कॉमा लगा देंगे, कॉमा लगाने के बाद अब जो हमारे पास इस ये 1 आ रहा है, इस 1 का मतलब ये है कि हर वैल्यू का आपने सिंगल मरतबा आखिरी कॉलम में लिख देना है। कैसे लिखेंगे हम, अब लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड 3, इस तरह से हमने ये सैंपल ड्रॉ कर ली है। सैंपल ड्रॉ करने का मेथड है ये, दोबारा सुन लें, आपने 3 स्टार बनाने हैं। 3 स्टार क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सैंपल जो साइज़ है वो हमारे पास 3 है। उसके बाद जो कैपिटल एन की वैल्यू है आपने यहाँ पे लिख देनी, कैपिटल एन की जो हमारी वैल्यू थी वो 3 थी, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। उसके ऊपर पावर ये जो है यहाँ पे पहले पे 0 फिर 1 फिर 2, इस तरतीब से आपने लगा देनी है। इसका आंसर जब लिखेंगे तो जो इस साइड पे हमारे पास जहरी बात है, हमारे पास सैंपल 3 का है तो 3 वैल्यू हमारे पास आ रही हैं, तो पहली वैल्यू जो है इस पॉपुलेशन की 9 मरतबा रिपीट होगी। पहली वैल्यू 1 है तो 1 को 9 मरतबा रिपीट किया, फिर 2 को 9 मरतबा रिपीट किया, फिर 3 को 9 मरतबा रिपीट कर दिया। उसके बाद दूसरी वैल्यू है, जो दूसरी वैल्यू हमारे इसी सैंपल में आएगी, दूसरी वैल्यू को 3 मरतबा आपने रिपीट करना है। 1 को 3 मरतबा लिखा, 2 को भी 3 मरतबा, फिर 3 को 3 मरतबा, 1 को 3, 2 को 3, 1 3 को 3, इस तरतीब से चले, फिर आखिर में हमारे पास आंसर 1 आ गया। इसका मतलब है हर वैल्यू को आपने रिपीट करते जाना है सिंगल मरतबा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरह से चलते चलते यहाँ पे हमारे पास सैंपल बन गए। सैंपल बनने के बाद यहाँ पे आपने एक्स बार का कॉलम बनाना है। अब एक्स बार कैसे आएगा, एक्स बार इन तीनों को आपने ऐड करना है, फिर 3 पे डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा 1, और यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इनको आपने ऐड करना है और 3 पे डिवाइड करना है, तो इनके जो आंसर आए वो हम फौरन तौर पे लिख लेते हैं जल्दी जल्दी से। 1.3 1.6 1.3 1.6 2.1.6 2 2.3, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1.3 1.6 2 1.6 2 2.3 2 2.3 2.6, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1.6 2 2.3 2.6 2.3 2.6 एंड 3, ये हमारे पास कॉलम आ गया। अब इसमें देखते हैं कि सैंपल बनाने के बाद हमारे पास एक स्टेप आता है जिसमें हम बनाते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो हमारे पास ये 1, फिर 1.3, फिर 1.6, फिर 1.6 के बाद हमारे पास 2 आ जाता है, 2 के बाद हमारे पास 2.3, 2.3 के बाद 2.6, और 2.6 के बाद हमारे पास 3 आ जाता है। तो ये x बार की सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे।
sampling distribution of x bar. x बार की हमारे पास वैल्यू जो थी वो 1, 1.3, 1.6, 2, 2.3, 2.6 एंड 3, ये हमारे पास वैल्यू थी। टेलीमार्क्स जब हम बनाते हैं, टेलीमार्क्स में ये देखते हैं कि जो पहली वैल्यू हमारी है, आ रही है, ये कितनी मरतबा रिपीट हो रही है इस डेटा में। तो 1 जो है हमारे पास एक मरतबा रिपीट हो रहा है, ये 1.3 3 मरतबा, ये 6 मरतबा और ये 7 मरतबा, और 2.3 हमारे पास 6 मरतबा, फिर 3 मरतबा ये, और फिर ये 1। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी आपके लिए पुराना काम हो गया है कि फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं। इसी वैल्यू को न्यूमेरिकली तौर पे हम लिखते जाते हैं, 6, 7, 6, 3, 1। ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी है ये 27 आएगी, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल 27 थे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार जब हम बनाते हैं तो उसका तरीका कार ये है कि 27 को इस हर वैल्यू के पे डिवाइड कर देते हैं। 27 3 over 27 6 over 27 7 over 27 6 over 27 3 over 27 1 over 27। ये जो बनेगा हमारे पास कॉलम, ये 1 आ जाएगा इक्वल, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1। उसके बाद हमारे पास जो हमें रिक्वायर्ड है, ये दो कॉलम बनाएंगे हम, एक्स बार का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। अब एक्स बार का कॉलम ये है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम ये है। अब इन दोनों जब कॉलम्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का ये कॉलम आ जाएगा। उसके बाद एक्स बार का जो कॉलम है इसको एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार के इस कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का कॉलम आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनके जो आंसर हैं वो हमारे पास 53.2 over 27 110.45 divided by 27, ये आंसर आ जाएंगे। आंसर हमारे किस चीज़ के आ गए हैं, एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार का आंसर हमारे पास आ गया 53.2 over 27। समीशन x बार का स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार, इसका आंसर हमारे पास 110.45 divided by 27। ये दो आंसर हमें नोट करने के बाद जो म्यू x बार की वैल्यू है और सिग्मा x बार की वैल्यू है उसको हम फाइंड कर लेंगे। ये देखें म्यू एक्स बार का यही फार्मूला, समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, इसका आंसर 53.2 divided by 27। तो ये आपके पास टू राउंड ऑफ करके आपके पास आंसर म्यू एक्स बार का 2 आ गया। उसके बाद सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू, ये फार्मूला है आपके पास, सिग्मा एक्स बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस समीशन एक्स बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। इसमें देखें इसके आंसर को पुट करें, ये आ जाएगा आपके पास 110.45 divided by 27 माइनस 4 स्क्वायर रूट, 2 को स्क्वायर ले लिया 4 आ गया। इसका फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 0.0902 स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स बार का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब ये दो आंसर जो भी हमने फाइंड किए हैं इनको साइड पे लिख देते हैं। साइड पे लिखने के बाद हमने हमारे जो दो रिजल्ट्स होते हैं उनको हम प्रूफ करेंगे। अब
ये देखें इसी साइड पे हम रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं। पहला रिजल्ट होता है हमारे पास म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, ये चाहे कैस विद रिप्लेसमेंट का हो चाहे विदाउट का, साइज टू हो साइज थ्री, ये पहला रिजल्ट आपने सेम लिखना है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। अब म्यू एक्स बार की वैल्यू आपने टू फाइंड की और म्यू की वैल्यू भी टू है, ये चीज़ प्रूफ हो गई। दूसरा रिजल्ट हमारे पास सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू विद रिप्लेसमेंट है तो ये फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। अब इसके बाद ये देखें सिग्मा एक्स बार की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 0.0902, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 0.0666 स्क्वायर रूट ओवर एन की वैल्यू आपके पास, सवाल एन आपके पास 3 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा और ये आपके पास प्रूव्ड हो गया। ये आज का आपका टॉपिक था जिसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी विद रिप्लेसमेंट में और साइज 3 के साथ।